उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कोतवाली कैराना क्षेत्र में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की वारदात हुई है, जिसमें पुलिस ने एक बार फिर से एक बदमाश को अपनी गोली का निशाना बनाते हुए जख्मी कर दिया है। घायल बदमाश का कैराना सर्कल अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है और बाकी फरार बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के बुरा गांव के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कुछ बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने विरोध करते हुए पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जहां पर दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली, जिसमें से एक गोली बदमाश फाजिल के पैर में जा लगी। घायल बदमाश जमीन पर जा गिरा, जबकि बदमाश के दो अन्य साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाश से पुलिस ने अवैध असला बरामद कर लिया है। वहीं बदमाश फाजिल पर लूट के 5 से अधिक मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर बदमाश फाजिल को उपचार दिया जा रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। फाजिल पुत्र लियाकत है, 4-5 मुकदमे है, लूट के मुकदमे है पहले और सूचना के आधार पर सूचना मिले थे। इसके साथ दो बड़े अपराधी थे जो भाग गए हैं, एक के पैर में गोली लगी है। अभी और मुकदमे की हम लोग जाँच कर रहे हैं, कितने मुकदमे हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है।